चलिए आगे बढ़ते हैं। परवानू सोलन हाईवे पर वाहन धारकों को दो बार जेब ढीली करनी पड़ेगी। टोल प्लाजा पर वाहनों से शुल्क वसूलने को लेकर प्राधिकरण ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हिमाचल में प्रवेश करते ही पहले परवानू में एक्साइज विभाग को टोल चुकाना पड़ेगा और वहीं कुछ दूरी के बाद सनावरा में भी टोल का भुगतान करना पड़ेगा। बता दें कि NHAI ने फोर लेन हाईवे पर हिमाचल का टोल प्लाजा 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला लिया था। जानकारी दे दें कि टोल प्लाजा की जो 10-10 किलोमीटर की परिधि में रहने स्थानीय लोग हैं उनको यहां पर पास की सुविधा दी जाएगी। इसकी सीमा 285 से 1885 रुपए प्रति माह निर्धारित हुई है। भाई साहब ये फैक्ट की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो NHAI का रूल है कि 100 वो लगेगा। मैं बोल रहा हूँ आप फैक्ट पॉलिसी दिखा दो मेरे को। आपने जब रेट लिस्ट लगाई है यहाँ पे तो आप 110 रुपए वाली भी रेट लिस्ट लगाओ। जब मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI शिमला से बता रहा हूँ कि ये आज 19 तारीख को 8 बजे सनावरा टोल प्लाजा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हिमाचल का जो पहला टोल प्लाजा है 4 लेन का, इसमें पूरा प्रोजेक्ट की लंबाई 39.1 किलोमीटर थी, इसमें से 36 किलोमीटर के लिए हमने टोल लगाया है। तो पूरी तरह से 100% फास्ट टैग टोल प्लाजा है, इसमें सारी लेन 8 लेन टोल प्लाजा की फास्ट लेन है। इसके लिए हमने काफ़ी सुविधाएँ भी दी हैं पब्लिक को। यहाँ पर पूरी में रिकवरी में हाईवे पेट्रोल एम्बुलेंस सबकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सोलन से संवाददाता अमरप्रीत हमारे साथ जुड़ गया। अमरप्रीत जी, यहाँ पर आज से जो टोल प्लाजा शुरू हुआ है, दो बार यहाँ पर लोगों को टोल चुकाना पड़ रहा है, देख रहे हैं हम, सुन भी पा रहे हैं लोगों की बाइटे की, परेशान हैं और दो दो बार जेब पर असर भी पड़ रहा है। जी जैसे की बात कीजिए, 4 लेन का कार्य तकरीबन शुरू हो चुका है। इससे पहले जो है परमाणु में जो है एक बैरियर लगाया गया है, वहाँ से जो है बाहर से आने वाले राज्यों से जो है एक पर्ची कटती है जो टोल देना पड़ता है। वहीं जो आप जो संगवारा में भी जो आज से टोल प्लाजा शुरू हो गया, जिसमें जो एक 1 साइड की पर्ची जो छोटी गाड़ियों की 55 रुपए की है। लेकिन अगर परमाणु की बात की जाए, परमाणु में जो हिमाचल प्रवेश करने वाले जो वाहन है, हिमाचल की गाड़ियां, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले जो वाहन है उनके ऊपर जो है उनकी पर्ची कटती है। आज जो है पहला दिन था टोल प्लाजा का, तो यहाँ पे जो है पूरे हाईटेक तरीके से जो इसको बनाया गया, फास्टैग की जो है यहाँ पे जो ऑनलाइन ही जो है इसके पैसे कट रहे हैं। पूरा हाईटेक है, इसमें जो है 40 किलोमीटर की परिधि को जो है इसमें लिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं जिनका 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है घर आ रहा है, तो उनके लिए जो वाहन है चालक है या वाहन मालिक है उनको जो है पास की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। लेकिन जो है आज पहला दिन होने के करके जो है पास वगैरह नहीं बन पाए। तकरीबन जो टाइम दिया गया कि 1 तारीख तक जो है ये पास भी बन जाएंगे और लोगों को जो है ये सुविधा भी मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात की आ रही है कि अभी जो 4 लेन का कार्य पूरा नहीं हुआ है और कई जगह पे जैसे कि हम बात करें कुमारहट्टी है और सोलन है, वह परमाणु के कुछ क्षेत्र में जो है 4 लेन का कार्य अभी भी चल रहा है, जिस वजह से लोगों में अप्रोच भी है कि जो ये टोल प्लाजा भी शुरू नहीं होना चाहिए था। और कुछ जब तक रोड का काम पूरा नहीं होता तो उसी के बाद जो है रोड को टोल प्लाजा को शुरू करना चाहिए था। जी जी शुक्रिया अमरप्रीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सनवारा में आज से टोल प्लाजा जो है शुरू कर दिया गया है और अब लोगों को दो दो बार टोल देना पड़ रहा है, तो इससे लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पास की सुविधा उनको दी जाएगी और वो जल्द ही बनवा दिए जाएंगे उन लोगों के पास, ताकि वो आसानी से यहाँ से जा सके। आज पहला दिन था इस टोल प्लाजा पर, थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर ज़रूर आई हैं, लेकिन बाकी जो प्रक्रिया थी वो सुचारू रूप से रही टोल वसूलने की और फास्टैग के जरिए यहाँ से लोगों से टोल वसूला गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर